सो हेलो गाइस, क्या हालचाल है आपके। स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंडियन बॉय लॉस्ट इन नेपाल। ये थोड़ी मैं माफी चाहता हूँ, ये खारिश होती है आजकल और बाकी हमारा ऐसे वीडियो बनाने में लेट हो गए, इसलिए अंधेरे में बना रहे हैं। होप मेरी वीडियो थोड़ी बहुत साफ आ रही होगी। तो आज जो हमने रिएक्शन देनी है यार, वो है उपमा थापालिया। उपमा है या उपामा है, तो थापालिया का गाना है खुत्ता तंडई गारा। मैं ऐसे करके देख रहा हूँ क्योंकि रोटेट स्क्रीन में है फोन, तो ऐसे पढ़ रहा हूँ। वॉइस ऑफ किड्स 2021। तो यार मैंने सारे के सारे देखे हैं, ठीक है। रुखसाना नींबू जी भी देखे हैं, पेमा रेचन जी, सारे के सारे ऑलमोस्ट मैंने रिएक्शन दिया था, पर उपमा जी के ऊपर मैंने कभी रिएक्शन नहीं दिया। उपामा, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, उनके ऊपर कभी रिएक्शन नहीं दिया। चलो देखते हैं कि कैसे है यार ये म्यूजिक वीडियो, उसके बाद ही यार बातचीत करेंगे। सो गाइज, 1 2 3 करते हैं इसको हम प्ले। ओ ओके, ये है उपामा जी। ये फाइनल तक पहुंचे थे या नहीं, पहले ये भी बताएं आप। म्यूजिक कैंट है यार, कैंट मतलब अच्छा बहुत। ऑडिशन है भाई साहब, यार म्यूजिक है ना, जो म्यूजिक बड़ा ही मतलब जबरदस्त जो चला, टन टन टन, मुझे वो याद आ गया, टन 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 टन, एक ट्यून है ना ऐसी, पता नहीं कौन सी ट्यून है यार, मुझे वो आ रही है बार बार याद। तो इस सॉन्ग के अंदर मैं राजू लामा जी ने, प्रमोद खारे जी ने और प्रगतिका अधिकारी जी ने नहीं दबाया इसके अंदर, क्योंकि पहले जो गाया ना बहुत मतलब एक होती है ना प्यारी क्यूट आवाज, मतलब बहुत ही ज्यादा वाली अच्छी कह सकते हैं हम, कि प्यार नहीं आता रहता यार, अरे कितनी अच्छी गाती है ऐसे।
अगर हम देखे जाए यार मुकाबले के तौर पे, जैसे रुखसाना निंबू जी बहुत अच्छे से गाते हैं, पेमा डे चंद्रमंग जी उनके पास वो भी ऐसे मतलब गाते हैं, पर सुर जो मतलब ऐसे किया था ना उन्होंने, वहां से थोड़े से उनके शायद नंबर कट हुए हैं। पर मुझे ऐसे है यार, उनको देना चाहिए था मौका, और मौका देने से उनको ऐसे है कि जजमेंट, जैसे कोई होता है ना एक गुरु समझाने वाला, कि यहाँ से ऐसे करो, ये वाला सुर ऐसे पकड़ो, यहाँ से आप पता चल रहा था कि वो फ्री स्टाइल आए हैं, पर टैलेंट की कमी नहीं है। जैसे रुखसाना अली बुज, पेमा डे चंद्रमंग जी, जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, सुप्रीम अला ठाकुरी जी, उनके आप ऑडिशन उठा के देखो और ग्रैंड फिनाले वाला परफॉर्मेंस उठा के देखो, सारे के सारे इतना मतलब इंक्रीज किया है अपने आप को। तो मुझे ऐसे था कि इनको भी मौका मिलना चाहिए, ताकि वो सिखाएंगे तो वो ऐसी बच्ची हमारी ऐसे करेगी ना, ऐसे फिर ऐसे इंक्रीज हो जाते। पर बहुत इनकी भी गलती नहीं, बहुत अच्छे से गाया। पहली बात तो मैं ये बता दूं, अच्छे से गाया है ये ओबामा थापालिया जी ने। पर बात ये आ गई कि टैलेंट सारे बच्चों में ही इतना है, तो कि किन किन को नहीं, शायद इस वजह से नहीं दबाया। बाकी आप बताएं कि क्या पता लास्ट में दबा दिया हो। पर अकॉर्डिंग टू मी कि इस जो ये वाला सॉन्ग था कि लास्ट में जाके थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी ये सुर के ऊपर, ये वाली चीज के ऊपर, पर जो गाया ना ओवरऑल बहुत ऐसे प्यार से गाया है यार। तो मुझे ऐसे थोड़ा सा ऐसे भी है कि उनको आगे हमें देखना था, मैं इतने टाइम बाद देख रहा हूँ। मुझे और भी वीडियोस बताओ यार जो हमारे ऐसे ऑडिशन में आए थे, ठीक है, ऐसे, क्योंकि हमें नॉलेज चाहिए। क्योंकि कल को जैसे हमारे उनका नाम बोल गया जो गाने आजकल पॉपुलर गाते हैं ना, चलो सोनू निगम जी ने जिनको वो किया था, पर उस टाइम वो उनका सुर थोड़ा सा बिगड़ा था ना, ये है चीज। वैसे ही आज मैंने इनको जाना, कल को अगली बार आएंगे तो भाई साहब हम जानते होंगे ना, इसलिए बहुत अच्छा लगा है मुझे यार सॉन्ग फिर भी। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियोस भी बताओ आप, रिएक्शन हम बताते रहेंगे। और पॉल शाह जी के ऊपर सबसे ज्यादा रेटिंग आई थी, तो पॉल शाह जी के ऊपर हम लेकर आ रहे हैं वीडियो अगली वाली। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।